हमें तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, सैलरी हमें नहीं मिली। बाजारों में जाएं तो दुकानदार कपड़े फाड़ने पे आते। तनख्वाह साड़ी 15,000 भी 6 महीने नहीं मिलनी। दुकानदार बाजारों में जाएं तो दुकानदार कपड़े फाड़ने पे आते हैं, और महकमे के जितने भी हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या फॉरेस्टर हैं, हम उनसे बार बार ये इल्तिजा करते हैं कि हमारी तनख्वाह बहाल करवाएं, हमें टाइम टू टाइम हमें तनख्वाह दी जाए। और असा उन्होंने भी आखना भाई तनख्वाह दिया तो आखने जी है इतनी तो कल इतनी तो परसों इतनी, अगर इन्हें तनख्वाह 10 तारीख तक ना भेजी तो ये जो इतने चौकीदार आए इतने जमा है एहतजाज करने अपना रिकॉर्ड करा सुनो एहतजाज हो 10 तारीख तो बाद कोई आदमी महकमा जंगलात नहीं नौकरी ना करना अगर तनख्वाह 10 तारीख तक ना मिली। तनख्वाह साड़ी 15,000 रुपया जरा इस वक्त तो एक बच्चा 6 महीने ना वो दुध पे गठना उसने पूरी नहीं पैनी, असें वो भी 6 महीने नहीं मिलनी। अगर जंगलात ने महकमे आगाह करनी है साड़ी तनख्वाह 10 तारीख तक ना आई तो जो गरियात ने जो चौकीदार है ये इंशाल्लाह जंगल ड्यूटी नहीं करनी। अच्छा मड़ा एक छुट्टी चाहिए मगर वो त्रै महीने ने तकरीबन 15,000 टोटली तनख्वाह है वो भी 3 महीने नहीं इसकी इसका अप्रूव बर्फबारी ना मौसम है तो सर्दियाँ ही सिरा पर और इन्हें तनख्वाह भी नहीं आई, दुकानदार इन्हें की उधार भी नहीं देने किसी। राती 2 बजे अगर इन्हें की बुलाया कि अच्छा तो अच्छे दिहाड़ी राती है जंगल रहने तो दिहाड़ी राती है कम करने दरख्त लाने मेहनत करने इन्होंने वजह ना सारा जंगलात देखा कि अच्छा बचे बचा हुआ, लेकिन इन्होंने जड़ी तनख्वाही जड़ी सड़ी हुकूमत जड़ी सड़े आला काम इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की थी 25,000 जबकि वो इन्हें की मिलना 15,000, वो 15,000 भी इन्हें की तकरीबन 6-6 महीने 7-7 महीने न मजीद गलियात हज़ारा कश्मीर और पाकिस्तान की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें ताकि बर वक्त नई खबरें आप तक पहुंचती रहें।